आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया को हम बोलते हैं प्रेशर। क्लियर है? अब इधर देखो, अब देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा है आपने? प्रेशर का फॉर्मूला लिखा है बेटा, एफ अपॉन ए, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया, हाँ ठीक है। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं हम पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। क्यों बोलते हैं पास्कल? क्योंकि ये जो प्रेशर है वो किसने इन्वेंट किया था? पास्कल साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया है ना, तो उन्होंने अपने खुद के नाम पे यूनिट रख लिया, ठीक है। तो ये यूनिट प्रेशर की यूनिट कौन सी है? पास्कल। बिल्कुल हाँ हाँ, न्यूटन भी साइंटिस्ट। मोस्टली यूनिट्स के नाम साइंटिस्ट के नेम पे मिलेंगे, जैसे करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर, वो भी साइंटिस्ट है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है? सर न्यूटन। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, वो भी क्या है? साइंटिस्ट है ना। गॉज भी साइंटिस्ट है, मैक्सवेल भी साइंटिस्ट है, एम्पियर भी साइंटिस्ट है, सबने अपने अपने नाम पे ठीक है रख लिया। अब कुछ बचा ही नहीं अपने नाम रखने के लिए। सर हम ही उनका नाम रख लेते हैं। किलोमीटर नहीं है, किलोमीटर नहीं है, ठीक है। अब देखो प्रेशर, जैसे आपको बोल दिया कि ये कोई एक बॉक्स है, ये एक क्यूबॉइड है ना, ये क्यूबॉइड है, अब ये इस एरिया पर रखा हुआ है, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है। अब ये कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें? कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। अब ये वाली सरफेस पे रखा हुआ है ना, तो हमें ये लिखना है? नहीं लिखना सर, ये जो आप डायग्राम बना रहे हो ये लिखना है? नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखो बेटा, यदि ये ब्लॉक का वेट जो है, वेट कितना है? 30 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? 30 न्यूटन है। तो आपको प्रेशर फाइंड करना है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? अपॉन एरिया। अब फोर्स कितना लग रहा है? 30 न्यूटन। अब एरिया, ये वाला एरिया कितना होगा बताओ? ये 2 मीटर है और ये वाली लेंथ 3 मीटर है, तो एरिया कितना होगा? 6 मीटर स्क्वायर। 30/6 कितना होता है? 5 पास्कल। तो जो प्रेशर है वो कितना होगा? 5 पास्कल। आ गई बात समझ में? क्या बेटा? नहीं, पी ए है बेटा, पास्कल, पी ए, ठीक है। प्रेशर एक क्वांटिटी है और पास्कल यूनिट है, दोनों में डिफरेंस है। सर वी हैव टू राइट दिस? नहीं, ठीक है, अभी समझ लो, ठीक है। प्रेशर क्या है बेटा? ये क्वांटिटी, ये क्या है? क्वांटिटी है। सर और पास्कल क्या है? की रिकॉर्डिंग भेज देना, पिछले क्लास की नोट्स आज ही भेज देना प्लीज, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इधर देखो, अब यदि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यदि फोर्स आपने लिया 10 न्यूटन, कितना लिया? वो वाला पेज वापस लगा दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। ठीक है, और एरिया आपको दे दिया 2 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर कितना होगा बताओ? सर 5 पास्कल। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब 10/2, तो कितना आएगा? 5 पास्कल। अभी ये वापस समझा सकते हैं प्रेशर का? मैं अभी आया हूँ। हाँ, प्रेशर होता बेटा फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, एरिया को हम बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। अब देखो हम कुछ एनालिसिस करते हैं, ठीक है, एनालिसिस को समझना। यदि हम फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रखें, फोर्स की वैल्यू क्या रखें? कांस्टेंट।
एरिया अब हमने कर दिया 20 मीटर स्क्वायर, कितना कर दिया, अब प्रेशर कितना होगा, हाफ पास्कल, तो कितना होगा 0.5 पास्कल होगा, यस सर, 0.5। चलो और हम देखें, प्रेशर इक्वल टू हमने सॉरी फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन लिया सर, 1/2 होना चाहिए बेटा, 1/2 को डिवाइड करो, ओके सर, ठीक है, 1/2 को मतलब 0.5 हाफ है ना। अच्छा अब हमने फोर्स की वैल्यू लिखी, 10 न्यूटन ही लिया, एरिया हमने ले लिया 200 मीटर स्क्वायर, अब कितना होगा प्रेशर, सर 1/20, 1/20, 1/20 कितना होता है 0.05, कितना होता है 0.05, फोर्स आपका 10 न्यूटन है, एरिया आपने रख दिया 0.2 मीटर स्क्वायर, कितना रख दिया सर, फोर्स फॉर्मूला नहीं होता बेटा, फोर्स फिक्स दिया है ना, गिवन है, वो तो फॉर्मूला तो होता है, ठीक है, तो प्रेशर कितना होगा 50 पास्कल, क्या होता है फॉर्मूला, चलो ये पॉइंट हटेगा तो देखो कितना आ गया जीरो, तो प्रेशर इक्वल टू 50 पास्कल। चलो अभी एक और लास्ट, एफ इक्वल टू है 10 न्यूटन, एरिया हमने लिख लिया 0.02 मीटर स्क्वायर, अब प्रेशर कितना होगा 500 पास्कल, 500 पास्कल सर, कितना होगा 500, अब इसका क्या सर, इसे एनालिसिस को लिखना है, नहीं समझो सर, 500 कैसे बेटा, पॉइंट हटाएंगे, क्या हटाएंगे हम, पॉइंट, ये पॉइंट हटाया तो ऊपर कितने जीरो आएंगे, 20, क्योंकि 2 डिजिट के बाद है, और 2 से 1000 की जगह 200 आ जाएगा, हाँ ठीक है, तो अब आया समझ में बेटा, अब इधर देखो आपने क्या, आपने क्या एनालिसिस किया कि फोर्स तो सेम है, फोर्स क्या है सभी केस में सेम है, हम एरिया इधर जा रहे हैं तो एरिया बढ़ा रहे हैं, एरिया को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है, कम हो रही है ना, और इस साइड देखो, इस साइड एरिया क्या हो रहा है कम होता जा रहा है ना, तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमारा कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इधर देखो, ठीक है सर, लेकिन ये क्यों होता है, क्यों होता है अभी बताते हैं ना, सॉरी, हाँ ठीक है, जल्दी से वो ड्रॉ हो गया, अरे कोई बात नहीं, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, यदि एरिया बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, एरिया बढ़ेगा प्रेशर की वैल्यू कम होगी, ठीक है, सेम एज यदि एरिया की वैल्यू हम कम करते हैं तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है, सर जब एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, हाँ ठीक है, देखो इधर एरिया हम इधर बढ़ा रहे थे बेटा, 20 लिया फिर 200 लिया, तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई कम हो गई, हो गई कम, yes. क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, ये किसमें डिनोमिनेटर में, क्लियर है, ठीक है, अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन, यदि हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे और एरिया की वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या बढ़े होगी, यदि फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ेगी, और फोर्स की वैल्यू कम होगी तो प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी, yes, कम होगी, आई बात समझ में, अब देखो इसका एक एग्जांपल, ठीक है, अच्छा क्या आप सबके पास में एक एक पेन है, पेन है, yes, sir. पेन के पीछे वाले पोर्शन पे आप हथेली से मार सकते हो, yes, sir. कर सकते हो, yes, sir. हाँ अब पेन को पलट दो, अब निब वाली साइड सेम मार के देखो, कोई चेंज
मारे तो अंदर घुस जाएगा। हाँ तो देखो क्या हुआ, दोनों केस को मैं एनालिसिस करे, जो पेन था आपका वो ऐसा था, ठीक है, पेन आपका इस टाइप से था। दोनों केस में आपने प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, दोनों केस में आपने फोर्स तो सेम ही अप्लाई किया, दोनों केस में एरिया चाहे फोर्स तो, लेकिन इस वाली साइड एरिया क्या था, लेस था, कम एरिया लेस था, और एरिया लेस होगा तो प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। और इधर क्या था, एरिया और फोर्स एक ही हो सकते नहीं बेटा ठीक है, अमाउंट इक्वल हो सकता है लेकिन क्वांटिटी तो अलग अलग है ना। एरिया क्या है, इधर मोर है तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, हैं? कम होगी, समझ में आया यस सर। है ना। सर की ड्रॉ सर करना मेरे को अभी भी नहीं समझ में नहीं आ रही है अच्छा, इधर प्रेशर देखो का। एक मिनट रुको, एक मिनट ठीक है, इधर रुको, लिख सुनो, इधर देखो बेटा, आपने ऐसे मारा तो इधर एरिया क्या है, ज्यादा है, इधर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, लेकिन आप ऐसे कर होगी सकते हो, नहीं कर सकते, है ना, क्यों, क्योंकि इस साइड एरिया क्या है, वेरी लेस, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा ज्यादा होगी, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, क्लियर। होगी। तो हमेशा याद रखें, ठीक है, यदि एरिया कम होता है तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, समझ में सर आया। लेकिन अगर कोई क्यूब हो और वो छोटा हो और हाँ एक और क्यूब हो उससे बड़ा हो तो बेटा तो उसका लेकिन वेट, छोटे वाले क्यूब के लिए कम प्रेशर लगेगा। हाँ क्योंकि बेटा उसका वेट भी तो अलग होगा ना, वेट भी तो कम होगा, अभी हम फोर्स की वैल्यू तो कांस्टेंट ले रहे हैं ना, ठीक है। अब हम और चीज देखें, ठीक है, जैसे आपने आपके स्कूल बैग देखा है, स्कूल बैग को जो टांगने के लिए क्या होता है, स्ट्रिप्स होती है ना, यस सर। वो पहले वाली इसका स्क्रीनशॉट लेना है, बस आप 1 मिनट उधर अरे कर दो। अभी कर लेना, इकट्ठे ले लेना, ठीक है। देखो इधर आपके स्कूल बैग में स्ट्रिप्स होती है बैग को टांगने के लिए, यदि सर यदि उसकी जगह आप एक रस्सियां ले लो पतली पतली, उसकी इसके बाजू वाला तो क्या होगा, अरे जो समझा रहा हूं वो समझो तुम, ये चीज तो कुछ नहीं है, ठीक है बेटा, आपकी जो स्ट्रिप्स हैं है ना, उसकी जगह आपने रस्सी बांध ली तो क्या होगा, कोई चेंज आएगा, क्या होगा बताओ, नहीं बेटा फोर्स तो सेम रहेगा, आप एरिया कम होने की वजह से वो क्या करेगा, प्रेशर डालेगा तो वो आपको चुभेगा, आई बात समझ में। अच्छा एक बात देखो, आपका नाइफ होता है, नाइफ ऐसा होता है शार्प, ठीक है, इससे आप कोई फ्रूट्स में डालते हो इसको, ठीक है, और यदि आपने इसको ऐसे फ्रूट्स कट किया तो कौन सा एप्पल में जल्दी जाएगा, वो ऊपर रोला, क्यों, क्योंकि दोनों केस में आप फोर्स तो सेम अप्लाई कर रहे हो, दोनों केस में क्या होगा, फोर्स तो सेम है, लेकिन इस वाले में क्या एरिया क्या है, लेस है, एरिया क्या है, लेस है, तो प्रेशर कितना होगा, ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो इजीली क्या होगा, एप्पल के अंदर ये कट जाएगा, क्लियर है, आई बात समझ में। सर। अच्छा और भी जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जैसे कई बार जो हमारी आलपिन, समझते हो आलपिन ऐसा होता है ना, यदि ये शार्प होता है तो हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो इजीली क्या होता है, ये पेज में इंसर्ट हो जाता है, लेकिन यदि ये ब्लंट हो, ये क्या हो, ब्लंट हो, तो क्या हम इसको आलपिन को यूज कर सकते हैं, सर ब्लंट यानी शार्प नहीं हो, शार्प है नहीं ना? है ना, हाँ टूटा हुआ है ना, इसकी जो एरो टूट गया हो इसको, ठीक है, तो क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है, बहुत ज्यादा, सर क्यों, ऐसे अगर हम हथौड़े से कील के देखो होते बेटा यदि हथौड़े से आप यदि दीवार में आपको कील लगाना है तो यदि ये वाली कील होगी
ऐसी, और एक ये वाली कील होगी, तो दोनों में आपको फर्क दिखेगा। ठीक है, ये वाली कील क्या होगी, जल्दी लग जाएगी वॉल में। पहली वाली है छोटी वाली, उसमें मेहनत लगेगी। क्यों? क्योंकि ये ब्लंट है, तो यहाँ पे दोनों में आप फोर्स तो सेम अप्लाई कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे एरिया क्या है, उसको बहुत ज्यादा ठोकना पड़ेगा, एरिया मोर है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम। और यहाँ पे एरिया क्या है, एरिया क्या है, लेस है, तो प्रेशर क्या है। सुनो इधर, पेन लिया, दोनों साइड से फोर्स लगाओ, ओपन करके, ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आया, दोनों साइड फोर्स तो आप सेम ही अप्लाई कर रहे हो, लेकिन एक साइड पेन आपको चुभ रहा है। यस सर। क्यों चुभ रहा है? क्योंकि उस साइड एरिया लेस है, उस साइड एरिया एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी, प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी तो हो सकता है वो आपके हाथ के अंदर घुस भी जाए। क्लियर है? तो याद रखें, यदि हमें एरिया बढ़ाना है, ठीक है, सॉरी प्रेशर बढ़ाना है, पेन के पीछे तो कम अब आपका क्या है, आपके घर पे नाइफ होता है, ठीक है, नाइफ आयरन वाला, लोहे वाला है ना, वो खराब हो जाता है कुछ टाइम पे, तो हम उसको क्या कराते हैं, शार्पर करवाते हैं, शार्प करवाते हैं, बाहर भी आते हैं कुछ लोग। हाँ, तो शार्प क्यों करवाते हैं, शार्प करने से एरिया उसका क्या हो जाता है, एरिया लेस हो जाता है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वो इजीली फ्रूट्स को कट कर देगा। क्लियर है? यस सर। है ना, कई बार क्या होता है, ठीक है, प्रेशर की डेफिनेशन लिखवा दो, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, अभी लिखवा देंगे यार, अभी समझो चीजों को, लिखवाने में क्या है, लिखवा तो कभी भी देंगे, ठीक है, और भी देखो, और भी एग्जाम्पल, ठीक है, आप सैंड में, सैंड में देखा है, सैंड है ना, तो सैंड में यदि आपने क्या किया, खड़े हो गए, तो क्या होगा, आपके पैर सैंड के अंदर चले जाते हैं। यस सर, वो धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं। लेकिन आपने क्या किया, सैंड के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया, क्या रख दिया, कार्डबोर्ड, उसके ऊपर खड़े हो गए, तो क्या वो अंदर जाएगा कार्डबोर्ड? यस सर। नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कम होगी, और यहाँ प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर है? चलो और भी एग्जांपल, ठीक है, अच्छा, डेजर्ट में कौन सा एनिमल रहता है, बताओ, लायन सर, कैमल, लायन क्यों नहीं रहता, कैमल सर, क्योंकि इधर नहीं देखो सर, कैमल, देखो कैमल के जो पैर होते हैं, लायन चलेगा तो उसके पैर, हाँ ठीक है, जो कैमल होता है उसकी जो फिट एरिया होता है वो होता है लार्ज, कैसा होता है उसका फिट एरिया, लार्ज, एरिया लार्ज होगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, पैडी सा होता है उसका, प्रेशर कम होगा तो इजीली वॉक कर सकता है सैंड पे। और लायन के पैर कैसे होते हैं सर, आपकी आवाज अटक अटक, लायन के पैर कैसे होंगे, छोटे छोटे होंगे, तो वो यदि उस सैंड में रखा तो वो कहाँ चला जाएगा, सैंड के अंदर चला जाएगा, है ना, लायन यदि सैंड में गया डेजर्ट में तो क्या होगा, उसके पैर कहाँ चले जाएंगे, सैंड के अंदर, वो इजीली रन नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में, ठीक है, और भी एग्जांपल देखो, आवाज आ रही है सर, आप प्लीज वो बता दीजिए, क्या बता दीजिए, प्रेशर को सॉल्व, क्या बेटा, प्रेशर अभी करेंगे, बिल्कुल बताएंगे, अभी फिर से बताएंगे, अब इधर देखो, आपने क्या किया, अच्छा जो सैंडल्स होते हैं, सैंडल ऐसे हील वाले भी आते हैं ना, छोटी हील वाले, ऐसे कुछ सैंडल होते हैं, तो इसका ये जो एरिया है, और एक नॉर्मल फ्लैट सैंडल है आपके, ठीक है, ये कोई फ्लैट सैंडल है इस टाइप से,
ठीक है। अब यदि हाँ अब देखो दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में फोर्स सेम होगा, लेकिन ये यदि आपके किसी पैर पे रख दिया किसी ने तो एरिया क्या होगा सर, लेस हो जाएगा। ऐसे तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो आपको बहुत ज्यादा पैनिक होगा। यदि आप कहीं भीड़ में गए और किसी ने आपकी उंगली पर ये रख दिया शू, है ना, ये सैंडल का हील रख दिया, तो आपको हो सकता है आपकी उंगली भी टूट जाए। लेकिन जो सर हुआ था सर, अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर बहुत तेज लगेगा। हाँ ठीक है। अब देखो जो नॉर्मल फ्लैट वाले सैंडल है उसमें यदि आपने किसी ने पैर रख दिया तो उसमें आपको एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। क्लियर है? अच्छा और भी देखो बहुत सारे रीजन है। अच्छा आपने देखा है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर देखा है सबने? अच्छा ट्रैक्टर के टायर बड़े बड़े होते हैं, क्यों बड़े बड़े होते हैं? छोटे होते हैं और पीछे भी बड़े होते हैं। हाँ बड़े इसलिए होते हैं मिट्टी में नहीं तो डूब जाए। एग्जैक्टली। ट्रैक्टर कहाँ काम करता है, रोड पे या मड्डी एरिया में, कीचड़ में? मड्डी एरिया में, मड्डी एरिया में। तो क्या होगा, एरिया बढ़ा देते हैं, ट्रैक्टर के टायर का एरिया हमने बढ़ा दिया तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो क्या होगा, धसेगा नहीं, वो इजीली रन कर सकता है मड्डी एरिया में भी। क्लियर है सर? अगर अपन ने आगे वाला बड़े कर दी तो क्या होगा? नहीं बेटा आगे वाले भी बड़े कर सकते हैं, लेकिन उसका जो इंजन वगैरह है मेन वेट जो है वो कहाँ होता है, पीछे वाले पे होता है। ठीक है? जो पावर होता है वो पीछे वाले में होता है, आगे वाला तो बस उसको पुश कर, पुशिंग से चलता है। ठीक है? और भी एग्जांपल, प्रेशर कम लगेगा, क्या हो गया, एरिया यदि कम कर दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, हो सकता है वो धस जाए। ठीक है? अच्छा आर्मी टैंक देखा है किसी ने, दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा? हाँ बेटा ठीक है, आर्मी टैंक देखा है, आर्मी टैंक में क्या होता है, व्हील होते हैं या चेन होती है उसमें? चेन होती है। ठीक है? अब वो आर्मी टैंक पूरा किसका होता है, आयरन का होता है ना, तो बहुत ज्यादा क्या होता है वो, एरिया में भी नहीं धसता, वो बहुत ज्यादा हेवी होता है, तो हेवी होने की वजह से क्या होता है कि वो उसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो प्रेशर को कम करने के लिए हम क्या बनाते हैं उसमें, टायर्स नहीं बनाते हम, क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं, ऐसी चेन होती है ना। यस सर, और उसके ऊपर टायर। हाँ तो आर्मी टैंक नहीं समझते, तोप का गोला, तोप वो, अरे यार मैं कैसे बताऊं, आर्मी टैंक जिसे गोला, जिसे गोला फेंकते हैं, हाँ गोले मारते हैं, जो लड़ाई में काम आता है। हाँ ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा चेन होता है, तो इतना सारा एरिया, तो एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सर वो ऐसे राउंड में होता है और वो ऐसे घूमता रहता है, प्रेशर की वैल्यू। सर तो पतली कवर वो उछल कैसे आता है आर्मी टैंक? बेटा इससे ये रन करते हैं ना, ये घूमते हैं तो वो चेन भी घूमती है। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, ये चेन आगे चली जाएगी, ये तो ये आगे चला जाएगा। ठीक है? अच्छा और भी देखो। हाँ बोलो बेटा। सर वो जो ट्रेडमिल होता है उसमें भी तो वो जो चेन जैसी होती है वो भी तो ऐसे ऐसे घूमती हाँ, रहती है। हाँ वो एक रबर का वो होता है, पैड होता है, वो चेन नहीं होती। अब देखो बेटा, नहीं बेटा वो जमीन से नहीं टकराते। देखो साइकिल आपकी दो टायर आती है, एक मोटे टायर वाली आती है, एक पतले टायर वाली। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, आवाज। अच्छा ये बताओ, आपकी जो साइकिल्स भी होती है वो भी दो तरह की होती है, मोटे टायर वाली पतले टायर वाली? Yes, sir, गियर वाली है बिना yes, हाँ, हाँ, तो जो मोटे टायर और पतले टायर में डिफरेंस क्या होगा, यदि आप मोटे टायर वाली से आप कीचड़ में चले गए तो वो रिलेटिवली कम धसेगी, और यदि पतले टायर वाली से आप चले गए तो वो क्या होगा, धस जाएगा। सर, तो आपको क्या होगा, ज्यादा बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव करवाने के लिए, क्योंकि वो बहुत अंदर तक चली जाएगी। क्लियर है? लेकिन फैट बाइक वहीं फंस जाएगी अगर फैट बाइक होगी तो। ठीक है? तो अब देखो, सुनो अब देखो, अब रीजन समझ में आएगा कि आपकी जो बैक की स्ट्रीप वाइड की होती, समझ में आया है ना? यदि यहाँ पे हम इसको हाँ कंफर्ट, यदि आप यहाँ पे रस्सी बांध दिया तो क्या होगा, वो आपको चुभेगी, क्यों, क्योंकि एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है?
सेकेंड, आपकी जो है ना शार्प नेल होती है उसको ठीक है फिक्स करना इजी होता है एज कंपेयर टू ब्लंट नेल. ठीक है, जो शार्प नेल होगी, नेल मतलब जो कील है, वो कैसी होगी थी, शार्प है, तो उसको फिक्स करना इजी रहेगा. ठीक है, एज कंपेयर टू ब्लंट नेल. एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर क्या होता है, एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, प्रेशर का हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं. ठीक है, अब देखो जो आपके शूज होते हैं, ठीक है, बारिश में आप यदि बड़े शूज वाले पहनोगे है ना, यदि शूज पूरे फ्लैट हैं तो एरिया ज्यादा है तो प्रेशर की वैल्यू कम होगी, है ना. हाँ ठीक है, अब देखो ये ट्रैक्टर टायर वाला एग्जांपल समझ में आया. हाँ तो प्रेशर कम लगता है. हाँ एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा. ठीक है, अब इधर देखो ट्रैक्टर टायर वाइट क्यों होते, समझ में आ गया. नहीं वो तो ग्रूव्स होते हैं फ्रिक्शन फोर्स ताकि स्किड नहीं हो. ठीक है, तो इसमें तो बहुत कम एग्जांपल दिए हुए हैं लेकिन बहुत सारे एग्जांपल समझ में आ गए बेटा आपको. ठीक है, हाँ अब देखो इधर प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया. क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, या डेफिनेशन हम लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया. क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड. सर फोर्स और प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है, बताएंगे बेटा सुनो. फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर. तो यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला पास्कल, है ना. प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, अब देखो फोर्स और प्रेशर में डिफरेंस, जैसे आपको बोल दिया बेटा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं. देखो 20 मीटर स्क्वायर एरिया पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन. कितना फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन. तो प्रेशर निकालो, प्रेशर कितना होगा, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. सॉरी फोर्स अपॉन एरिया, इसको इसको है ना 50 कर लो, 15 न्यूटन. ठीक है, तो कितना होगा फोर्स अपॉन एरिया, मतलब 2.5 पास्कल. अच्छा, हम इसको ऐसे दूसरे तरीके से सोचते हैं. ठीक है, अब देखो दूसरे तरीके से सोचना, 20 मीटर स्क्वायर पर लग रहा है 50 पास्कल, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना लगेगा, 50 पास्कल. 50 by 20. सही, 2.5 पास्कल कहाँ से आया? अरे रुको, अच्छी सी वैल्यू लेने दो. देखो 4 मीटर स्क्वायर एरिया पे फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन. क्लियर है, तो प्रेशर की वैल्यू बताओ कितना होगा, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, 20 पास्कल. अच्छा, अब ऐसा यूनिटरी मेथड यूज करो, 4 मीटर स्क्वायर पर 80 न्यूटन, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा, 80 न्यूटन. 4 चॉकलेट 80 रुपीस की है, तो 1 चॉकलेट कितने की होगी, 20 रुपीस. तो चॉकलेट में समझ में आ गया, एरिया में समझ में नहीं आया. फोर मीटर स्क्वायर पर लग रहा है 80 न्यूटन, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा, 80 divided by 4, तो कितना लगेगा, 20. तो देखो दोनों की वैल्यू सेम है, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया. सर मुझे ये वाला मेथड समझ में नहीं आया. देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स ऑन, बस डिवाइड करना होता है, डिवाइड करना होता है. ठीक है सर, कोई और सीक्रेट नहीं हो सकती मीटर स्क्वायर के अलावा.
बेटा होने में तो बहुत सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, बहुत सारी यूनिट हो सकती है, लेकिन एसआई यूनिट में ही चलते हैं ना मोस्टली, तो मोस्टली हम एसआई यूनिट में काम करते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, प्रेशर इक्वल टू कितना होता है? I can't understand force on 1 meter square area. देखो, अच्छा, इधर देखो, फोर चॉकलेट्स, ठीक है, आपकी है 80 rupees का, तो वन चॉकलेट कितने का होगा? 20 rupees तो वही तो है, हमने अब लिख दिया 4 meter स्क्वायर एरिया पे लग रहा था 80 newton, तो 1 meter स्क्वायर पे कितना लगेगा? 20 newton. तो 1 meter स्क्वायर पे जितना फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं पास्कल, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, फोर्स ऑन 1 meter स्क्वायर एरिया को हम क्या बोलते हैं? सर आप नोट्स आज ही भेज दीजिएगा। हाँ, आ गई बात समझ में? यस सर। लेकिन हमारी ये वाली डेफिनेशन ज्यादा बेटर है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। क्लियर है बेटा? सर वेट वेट मी नोट। हाँ ठीक है। अब इस फॉर्मूले से ये होता है, क्या आप हमेशा प्रेशर ही निकाल सकते हो? क्या इससे हम फोर्स भी निकाल सकते हैं और एरिया भी निकाल सकते हैं? क्लियर है? क्या क्या निकाल सकते हैं? अगर हम एरिया निकालना हो एरिया। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया? यस सर। अभी मैं समझ गया। अब इधर देखो, यदि आपको बोल दिया कि कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, सॉरी प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, प्रेशर एनर्जी भी कहते हैं ना? नहीं बेटा, एनर्जी अलग होता है। प्रेशर अप्लाइड बाय बाय एनी बॉक्स इज 20 pascal इफ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज 5 meter स्क्वायर फाइंड फोर्स। फोर्स निकाल सकते हो बेटा? 100 newton। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, वैल्यू पुट करो। इक्वल टू 100 newton। प्रेशर कितना दिया हुआ है? 20। फोर्स कितना दिया हुआ है? फोर्स हमें निकालना है, फोर्स हमें निकालना है, और एरिया कितना दिया हुआ है? 5। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा? यस सर। कितना होगा? 20 × 5 = F, तो 100 newton। क्लियर है बेटा? तो इसने आप दोनों चीजें निकाल सकते, सॉरी प्रेशर भी निकाल सकते हो, फोर्स भी निकाल सकते हो, एरिया मतलब टू क्वांटिटी, टू क्वांटिटी गिवन होगा, ठीक है। क्या बेटा? न्यूटन होगा। हाँ बेटा, फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है ना। क्या एरिया? एरिया, ठीक है। और ये कौन सा एरिया बेटा? कॉन्टेक्ट एरिया। कौन सा एरिया? हाँ, अब देखो इधर कि देखो सर, हम एरिया कैसे ढूंढेंगे इस फॉर्मूले से? एरिया बिल्कुल, यदि आपको यहाँ पे दे दिया तो देखो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। एरिया क्या होता है? देखो बेटा इधर सुनो, एक मिनट ये चीज समझ लो बेटा। आपको दे दिया फोर्स इक्वल टू दे दिया 100 newton, प्रेशर दे दिया 5 pascal, तो एरिया निकालना है। तो देखो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो 5 = 100/a लिख सकते हो? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाएगा तो क्या होगा?
अब ये फाइव किसमें मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाएगा तो किसमें जाएगा डिवाइड डिवाइड में जाएगा तो आएगा ठीक है। तो आपको बस इस फॉर्मूले में पुट करना है देन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है सर। 20 मीटर स्क्वायर हाँ सर एक बार समझा दीजिए दूसरा क्वेश्चन दूसरा ठीक है। देखो यदि आपको बोला है फोर्स की वैल्यू दे दिया आपको 50 न्यूटन एरिया दे दिया आपको थोड़ा टफ दे दिया 1.25 मीटर स्क्वायर ठीक है सॉरी प्रेशर दे दिया प्रेशर प्रेशर दे दिया कितना 1.25 पास्कल तो आपको फाइंड करना है एरिया फाइंड क्या करना है एरिया तो फॉर्मूला क्या है आपका फोर्स अपॉन एरिया अब क्या करेंगे हम अब क्या करेंगे सर 1.25 डिवाइड में चला जाएगा अब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना जीरो आएगा दो जीरो अब देखो मैं डायरेक्टली 25 से कैंसिल आउट कर दूं यस सर तो 125 कितना 5 टाइम में होता है 25 से और ये कितने टाइम में 2 टाइम में क्लियर है नहीं पता चलो नहीं करते हैं चलो 5 से कैंसिल आउट करते हैं किससे कैंसिल आउट करते हैं 5 से सर 200 क्यों लिखा 200 कहाँ लिखा देखो मैंने इससे कैंसिल आउट हाँ बेटा ये पॉइंट हटाया ना पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है तो ऊपर कितने टी में तो जीरो लगने चाहिए थे अरे बेटा बस लेकिन उसको फिर कैंसिल आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना फिर बड़ी वैल्यू हो जाती है जैसे आपको बोल दिया 10,000 को कैंसिल आउट करना है तो हमने इसको क्या किया 100 × 100 लिख लेंगे तो इजीली हम एक एक को कैंसिल आउट कर सकते हैं ठीक है यस सर हाँ अब देखो आंसर मुझे 40 एरिया अब देखो करते हैं 5 से कैंसिल आउट करो तो कितना होगा 25 5 से किया तो 10 अच्छा 25 वन जा और 100 कितने 25 होते हैं 100 में फोर तो एरिया इक्वल टू कितना हो गया 40 मीटर स्क्वायर क्लियर है 40 मीटर स्क्वायर यस सो ये आप वापस कर दोगे इधर देखो डाउट क्या ये बताओ यहाँ तक a इक्वल्स टू सर डोंट टेक इन डेसिमल सर टू नॉर्मल देन इट विल बी मोर इजी ये अब इसको सॉल्व करना है क्लियर है कैसे सॉल्व करोगे ये पॉइंट हटाया 20 आया बस इसको सॉल्व कर लो ठीक है ओके सर। अब देखो बेटा ठीक है अब ये चीज देखो ये सब चीजें समझ में आ गई प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर यस सर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है पास्कल कौन सी यूनिट होती है पास्कल ठीक है। अब देखो अच्छा ये वाला करो चलो मैंने आपको टफ क्वेश्चन कराया इजी इजी तो आप कर लोगे बताओ बेटा एरिया निकाल सकते हो सॉरी प्रेशर निकाल सकते हो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बताओ कितना होगा फोर्स अपॉन एरिया तो करो आंसर कितना होगा सर 2 पास्कल बेटा 2 मीटर स्क्वायर 2 पास्कल ठीक है अच्छा अच्छा बताओ 10 पास्कल दे रखी है हमें दे रखा एरिया निकालना है ठीक है अच्छा सॉरी हाँ 2 मीटर स्क्वायर होगा सॉरी एरिया निकालना है हमें ठीक है सर 2 मीटर स्क्वायर तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया वैल्यू पुट करो फोर्स कितना दिया हुआ है 10 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है
ट्वेंटी अपॉन एरिया, तो एरिया इधर होगा तो कितना होगा, टेन ए इक्वल टू ट्वेंटी, अब टेन से डिवाइड कर दो तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला क्या होगा, यदि हम एरिया को डबल कर देते हैं तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेशर डबल, एरिया डबल कर दिया तो प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यस सर डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलो फोर्थ वाले का आंसर कितना होगा, अगर एरिया को डबल कर दिया तो प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी ना, हाफ हो जाएगी, है ना, फोर पास्कल, फोर पास्कल, ठीक है। व्हाई डज अ गर्ल स्टैंडिंग इन हील एक्सर्ट मोर प्रेशर, क्यों एक्सर्ट करती है मोर प्रेशर सर, क्योंकि एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ, कौन सा एरिया बेटा, कॉन्टेक्ट एरिया, कौन सा एरिया सर, कॉन्टेक्ट एरिया क्या होता है, देखो एक मिनट, कॉन्टेक्ट एरिया में बताता हूँ, रुको एक मिनट, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, इधर देखो ये आपका मोबाइल है, ठीक है, यदि आपने इसको ऐसे सैंड में रखा, आप उसको देखो ऐसे सैंड में रखोगे या ऐसे सैंड में रखोगे या ऐसे रखोगे, सबसे ज्यादा अंदर किस किस कंडीशन में जाएगा, जब हम उसको ऐसा सीधा रखेंगे तो ये क्या होगा, सैंड में ज्यादा जाएगा, क्यों, क्योंकि इस वाले केस में प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर है? प्रेशर ज्यादा क्यों होगा सर, क्योंकि पूरा वेट उसका यहाँ पर है, हाँ, क्योंकि एरिया क्या है इस केस में, सबसे कम है, एरिया सबसे कम है तो प्रेशर सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे कम प्रेशर कब होगा, यदि हम इसको ऐसा रखते हैं तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्लियर है? अब देखो एक बार हम डेफिनेशन बता दें, किसकी डेफिनेशन, कॉन्टेक्ट एरिया की, बेटा जो एरिया कॉन्टेक्ट करे, इधर देखो, इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया लेना है या कॉन्टेक्ट वाला, नहीं बेटा जो एरिया टिक जो टच कर रहा है वही एरिया लेंगे ना, या फिर टोटल एरिया लेंगे, बताओ, जो जो एरिया कॉन्टेक्ट एरिया पे होता है, अरे साइड का एरिया, ठीक है, चलो एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इधर ये एक क्यूब है, ये क्या है बेटा, क्यूब है, ठीक है, ये क्या है बेटा, एक क्यूबॉइड है, क्लियर है, इसका, हाँ, और इसी क्यूब, इसके जो साइड्स है वो इस टाइप से गिवन है, ये वाली साइड है इसकी 3 मीटर, कितनी साइड्स है, 3 मीटर, ये वाली है 1 मीटर और ये वाली है आपकी 2 मीटर, क्लियर है, तो ये ऐसे रखा हुआ है तो इस पर एरिया कौन सा कॉन्टेक्ट में बेटा, ये वाला एरिया, समझ रहे हो, यस सर, सबसे बॉटम वाला, हाँ बॉटम वाला, yes, जो कॉन्टेक्ट वाला पार्ट कॉन्टेक्ट होगा, हाँ, तो एरिया, एरिया कितना होगा कॉन्टेक्ट एरिया सर, 6 मीटर स्क्वायर, तो ये वाली साइड है 3 मीटर, ये वाली साइड है 2 मीटर, 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर। अब इसी को हमने क्या रख दिया, ऐसा खड़ा रख दिया, ठीक है, इसी को हमने क्या रख दिया, ऐसा खड़ा रख दिया, इंटू इंटू एरिया हमने निकाला हुआ है ना बेटा, हो गया आएगा, अब इसको हमने ऐसे रख दिया, जब आप प्लस करेंगे तो ऑफ, ठीक नहीं तो प्लस करेंगे तो 5 आएगा ना, 5 आएगा ना, तो 1 है, तो हमने ये वाला एरिया लेना बेटा जो कांटेक्ट में, ये वाला एरिया, अब देखो इसमें ये वाली साइड है 3 मीटर, ठीक है, ये वाली साइड है और ये वाली 2 मीटर, तो कॉन्टेक्ट एरिया कौन सा होगा, 2 मीटर स्क्वायर, तो एरिया कितना होगा कॉन्टेक्ट एरिया,
2 meter square. एरिया कितना होगा 2 meter square, ठीक है। हाँ, आपको टोटल सरफेस एरिया, इस वाले जो ये वाला सरफेस एरिया है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है प्रेशर में, ठीक है। इस वाले से मतलब नहीं है, इस वाले से मतलब नहीं है, इस वाले से मतलब नहीं है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है जो कांटेक्ट में है, ठीक है, जिस पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। क्लियर है बेटा? जो आपने ऐसा टेढ़ा, हाँ, जो पहले था ना ब्लैक कलर, हाँ, से, हाँ, उसमें 2 into 3 कर देंगे ना। हाँ, एरिया कितना कर देंगे 2 into 3। क्लियर है बेटा? इसमें क्या होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर साइड से अलग अलग प्रेशर होगा, ठीक है। हम मोबाइल को यदि सैंड में रखेंगे तो तीनों साइड से अलग अलग प्रेशर एग्जर्ट होगा। सबसे ज्यादा प्रेशर कब होगा, जब हम उसको ऐसा खड़ा रख देंगे। क्यों? क्योंकि उसका एरिया सबसे कम होगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब देखो ये फोर्स वाले क्वेश्चन तो आपने कर लिए एक्सरसाइज के, है ना। कुछ प्रेशर वाले करते हैं, चलो। सिक्स्थ वाला क्या होगा बताओ, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन एन एरिया, रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर स्ट्रिप ऑफ बेक्स आर प्रेशर ब्रॉडर टू रिड्यूस प्रेशर। शार्प नेल आर इजी टू फिक्स देन ब्लंट नेल बिकॉज लेस वॉल्यूम। कौन सा बेटा, कौन सा बेटा, लेस वॉल्यूम। एक मिनट बेटा, कौन सा, फिफ्थ वाला, सिक्स वाला। देखो बेटा, फोर्स, जो फोर्स होता है वो हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलरली, मतलब ऐसा सीधा वाला लेते हैं ना अपन, ठीक है। आपकी वॉइस बहुत टूट रही है। यस ठीक है, देखो बेटा, अच्छा बेटा देखो, रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन एरिया, तो रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन एरिया मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया का रेशियो को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। प्रेशर ठीक है, इसका भी आंसर रह गया। अच्छा इसका बताओ, परपेंडिकुलर का मतलब है ये बॉक्स रखा है और उस पर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तो आप इस वाली साइड कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, बॉटम निकाल सकते हो क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि हमें फोर्स के लिए लेना है, इसके ऊपर वाले लेना है, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स। क्लियर है? Yes, sir. हमें साइड वाले फोर्स से क्या मतलब है, हमें जिस डायरेक्शन का प्रेशर निकालना उसी डायरेक्शन का लेंगे। अच्छा एट्थ का क्या होगा, लेस एरिया। लेस शार्प नर्व बिकॉज लेस एरिया, लेस एरिया या मोर प्रेशर, ठीक है। अच्छा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, प्रेशर। कैमल्स हैव प्रेशर, सर एनर्जी भी तो हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं एनर्जी अलग चीज होती है। हाँ बोलो बेटा, न्यूटन फोर्स की यूनिट है, लेकिन देखो इधर चेक करो, इधर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, एरिया का। तो फोर्स पर एरिया क्या होता है, प्रेशर। क्लियर है सर? ऐसे हमें बोल दिया एरिया निकालना है प्रेशर से, हाँ। प्रेशर और फोर्स से सर, हम तो, हमें तो उसने बताया ही नहीं कौन सी यूनिट में एरिया निकालेंगे। नहीं ऐसा नहीं, नहीं बोलेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे। यदि सब ऐसा ही लिया है, काला था, नहीं बेटा सब SI में है तो आपको SI में ही निकलेगा वो, ठीक है। ओके सर। हाँ सब क्वांटिटी SI है तो SI यूनिट में ही निकलेगा, ठीक है। चलो अब बताओ फ्लिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स पता है क्या होता है, यस सर, जो क्या करता है, मोशन का अपोज करता है, हमेशा किस साइड लगता है, अपोजिट साइड में लगता है, ठीक है। और फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑयल यूज कर सकते हैं, ग्रीस यूज कर सकते हैं ना, उसी को बोलते हैं लुब्रिकेंट। हाथ घिसे तो उसे भी फ्रिक्शनल फोर्स ही कह सकते हैं। हाँ ठीक है, जो हम हाथ घिस रहे हो तो जो हमारे आपस में रबिंग होता है उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, हाँ ठीक है। अच्छा कैरम खेलते हो आप लोग,
स्केरम में क्या होता है, हाँ यदि हमारे जो कॉइन से वो अच्छे से मूव नहीं करते हैं तो हम क्या डाल लेते हैं उसपे, पाउडर पाउडर डालोगे फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो हमारे कॉइन से वो क्या हो सकते हैं अच्छे से मूव करते हैं। क्या फ्रिक्शनल फोर्स आप जीरो कर सकते हो क्या? नो सर, कम कर सकते हैं। यदि फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा तो क्या होगा, आपने एक बार स्ट्राइकर से मारा आपके कॉइन बस मूव करते रहे, कभी नहीं रुके, ठीक है सर? फ्रिक्शन फोर्स स्पेस में जीरो हो सकता है? नहीं, स्पेस में नहीं होता बेटा, स्पेस में एयर नहीं होती। क्या होगा बेटा सर, इसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? जैसे सर मैं बैलून को भी से मेरे बाल खड़े हुए। क्या 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 फिर से बताओ? बलून को घिसा मेरे बाल खड़े होने लगे। वो तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होता है, रबिंग से आपकी बॉडी और बैलून के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो बैलून चार्ज हो जाता है, ठीक है सर? जीरो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया तो क्या होगा? ठीक है, जीरो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया तो क्या हो गया, आप चल नहीं पाओगे, आप स्किड करोगे सर। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स हुआ कि नहीं होगा ना? देखो क्या होगा, यदि फ्रैक्शनल फोर्स जीरो हो गया तो आप ऐसे चल नहीं पाओगे, आप क्या करोगे, ऐसे स्लाइड करते रहोगे, है ना? फ्रैक्शनल फोर्स है तो आप लिख नहीं पाओगे, राइटिंग नहीं कर पाओगे। फ्रैक्शनल फोर्स नहीं है तो आपकी कार जो है वो मूव ही नहीं करेगी। और यदि एक बार मूव कर दी तो कभी रुकेगी नहीं, फ्रैक्शनल फोर्स नहीं होगा तो, ठीक है? तो अभी सर मतलब कि ये फ्रिक्शनल फोर्स होना जरूरी है? जरूरी है, ठीक है, लेकिन कम होना चाहिए क्योंकि फ्रैक्शन से कुछ लॉसेस भी हैं। लॉसेस क्या हैं? अनवांटेड हीट प्रोड्यूस होती है ना? यस सर। आपके जो पार्ट्स हैं, जैसे आपके जो शूज के सोल है वो खराब होते हैं? यस सर। कई बार आपकी गाड़ी के पार्ट्स टूट जाते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है? फ्रिक्शन फोर्स से नॉइज प्रोड्यूस होता है? यस सर। कुछ कार तेज चलाते हो रहा है, ठीक है? तो फ्रिक्शन फोर्स से नॉइस पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है? तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, होना चाहिए लेकिन एक कम लिमिट में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कम अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है? फ्रिक्शनल फोर्स की हाईएस्ट यूनिट क्या है? हाईएस्ट यूनिट क्या होती है बेटा? सर मींस की कहां तक है हाईएस्ट? हाईएस्ट कितना भी हो सकता है। आपने क्या कर दिया, एक बॉक्स को फेविकोल लगा करके चिपका दिया, अब उसको मूव करोगे तो मूव होगा क्या? नो सर। नहीं है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो गया है, ठीक है? नो सर। आपने लगाए गए फोर्स लगाया एक बार क्या होगा, वो उखड़ के मूव करने लग जाएगा, ठीक है? यस सर, वो उखड़ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि वो लाइफ टाइम के लिए चिपक गया, एक कोई ना कोई लिमिट तो होगी उसकी कि कितना फोर्सफुली वो चिपका है, ठीक है? यस सर। यस सर। पर अगर जैसे स्टिकर्स होते हैं वो तो अगर बहुत थिन वाले पेपर को हम लोग फेविकॉल से किसी भी चीज पर चिपका दे सर, पर वो तो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा? नहीं, हाँ लाइफ टाइम के लिए हो जाता है क्योंकि हम उसको निकालेंगे तो फट जाता है, ठीक है? यस सर। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? कौन सा बेटा? मस्कुलर फोर्स, जो आपकी बॉडी से लगाते हो, किसी को थप्पड़ मार दिया, ये आपका मस्कुलर फोर्स है, ठीक है? आपने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट उठा लिया तो वो मस्कुलर फोर्स है, क्लियर है? बेटा उसमें ग्लू होता है, ग्लू उसमें उस टाइप का ग्लू होता है, ठीक है? सर अगर हम पेंसिल लगाए तो एक बार ही काम करेगा, दूसरी बार नहीं करेगा? हाँ, क्योंकि उसमें जो हम पेपर लगाते हैं उस पेपर की प्रॉपर्टी है कि उस पेपर से नहीं चिपकता है, ठीक है? लेकिन उसके बाद हम किसी पे भी लगाते हो तो किसी और से रिएक्ट कर लेगा, ठीक है? जैसे आपकी जो टेप होती है, सेलो टेप होती है ना? अब सेलो टेप भी तो बेटा इस लेयर पे चिपकी हुई है, लेकिन क्या वो खराब होती है? नहीं, लेकिन हम उसको एक बार क्या करें, सरफेस पे लगा दें और फिर निकालें तो वो काम करती है क्या? No. नहीं करती, खराब हो जाती है, ठीक है? तो वही ना, उसको इस टाइप से डिजाइन करते हैं, बिल्कुल स्मूथ सरफेस रखते हैं ताकि वो क्या हो, खराब नहीं हो उसका ग्लू, ठीक है? ऊपर का सरफेस। अब जैसे आपने कभी
सर पर टेनिस कोर्ट में तो फ्रिक्शन लगना मुश्किल है क्यों? टेनिस तो होता है ना, टेनिस कोर्ट में होता है। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है, कई बार जैसे क्ले कोर्ट होता है ना, एक हार्ड कोर्ट होता है, तो क्ले कोर्ट में क्या होती है, स्कीडिंग कम होती है। ठीक है सर, अगर वो टेनिस कोर्ट में अगर पानी हो जाए तो फिर है ना फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा, जीरो नहीं होता ना। यस सर, यस सर, जीरो। अब जैसे क्या होगा, आपने घर में पानी डाल दिया, फ्लोर गीला है, तो आपके स्लिप होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, कोई चीज आपने स्लाइड करवा दी तो वो इनफिनिट टाइम तक जाती रहेगी, कभी ना कभी तो रुकती है, मतलब फ्रैक्शन फोर्स तो है, लिमिट कम हो जाती है। टेप पे जो सरफेस चिपका रहता है, अगर हम उसी सरफेस पे टेप को लगा दें तो वो दूसरी बार काम करेगा? बिल्कुल करेगा सर, आप चैप्टर तो होमवर्क में दोगे? तो अभी कर रहे हैं ना, हाँ होमवर्क में देंगे ना। अब देखो हर चीज को स्टिक करने के लिए अलग अलग चीजें यूज होती है, जैसे आपने देखा होगा ये समझते हो क्या होता है, क्या होता है यार वो चिपकाने के लिए 5 रुपए का आता है, फेविस्टिक। हाँ, फेविस्टिक है ना, नहीं फेविस्टिक नहीं, वो आता है एक लिक्विड छोटा सा, फेविक्विक, फेविक्विक है ना, क्या कभी फेविक्विक से आपने वो चिपकाया है कभी भी? सुनो, पेपर या थर्माकोल, पेपर या थर्माकोल पे ट्राई करना, मैंने चिपकाया उसमें से धुआं निकलता है। हाँ, वो क्या हो जाता है, जल जाता है कभी, है ना, वो पूरा मेल्ट ही हो जाता है थर्माकोल, क्यों, क्योंकि वो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी हीट होती है। ठीक है, मेल्ट हो जाएगा, हाँ थर्माकोल मेल्ट हो जाता है। कई बार वो हाथ से चिपक जाती है ना, तो छूटने में पता नहीं क्यों दिक्कत, तो इसीलिए ना अलग अलग ग्लू के वो गद्दी वाली शीट भी पिघल जाती है, हाँ खराब हो जाती है, कभी हम फेवी फ्लू है ना, कभी आपने क्या किया, कभी आपके कपड़े पे यदि वो गिर गया है ना, तो ये वाली सरफेस कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, फिर आप इसको ऐसे मोड़ोगे तो टूट जाएगा, कट कट ऐसे बोल के टूट जाएगा। मैंने एक दिन अपने सोफे पे गिरा दी थी तो कभी नहीं।